Good morning, children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today again we are going to do one activity of best out of west. So आज हम किसका use करने वाले हैं? आज हम ये pencil shaving का use करने वाले हैं. आप pencil shave करते हो ना, pencil को छीनते हैं और फिर जो उसका ये कचरा निकलता है उसको हम क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं. बट आज हम इसी का यूज़ करके कुछ नया क्रिएट करेंगे. इसके लिए आपको चाहिए एक A4 शीट पेपर नहीं है तो आप अपनी ड्राइंग बुक का यूज़ कर सकते हैं, उसका पेज यूज़ कर सकते हैं. एंड देन हमें ग्रीन येलो कलर चाहिए और एक ग्रीन कलर चाहिए और एक मार्कर चाहिए. मार्कर नहीं है तो आप स्केच कलर का यूज़ कर सकते हो, ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, वो भी नहीं है तो पेंसिल यूज़ कर लो. एंड हमें एक फेविकॉल चाहिए. सो सबसे पहले हम A4 शीट पेपर पर इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, अभी ये शेप आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर ड्रॉ करवा सकते हो. मैंने यहाँ पे येलो कलर का पेपर कटआउट करके और उसे लगाया है. आपके पास येलो पेपर नहीं है तो मैंने बताया आपको, आप येलो कलर लो और कलर कर लो, ऐसा शेप बना लो और ग्रीन कलर से ऐसे ब्रांचेस बना लो. अब आगे हम अब काम करते हैं. अब आगे जो काम है वो पेंसिल शेविंग का है. हम क्या करेंगे, इन पेंसिल शेविंग्स को यहाँ फ्लावर्स की तरह पेस्ट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्लू लेंगे और ग्लू को अच्छे से लगा लेंगे. राउंड करके लगाना है. उसके बाद एक लेना है. अगर आपका टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप टूटा हुआ यूज़ कर सकते हो, वो भी लग जाएगा. और बस उसे ऐसे उसके ऊपर पेस्ट कर देना है. देखो मैंने पेस्ट कर दिया. अगेन अब हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे. यहाँ भी हम एक पेंसिल की शेविंग लगाएंगे. आपको बस पेंसिल शेविंग को ऐसे रख देना है और आपका फ्लावर रेडी हो जाएगा. और जो पोर्शन उठ रहा है वहाँ पर फिर से फेविकॉल लगा दो तो आपकी पेंसिल का फ्लावर बन जाएगा. देन ऐसे ही हमें यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह ऐसे बिग फ्लावर्स लगाने हैं. इस तरह से देखो हमने 4 फ्लावर्स यहाँ पे चारों तरफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 फ्लावर्स लगा दिए. अब जो ये छोटी छोटी ब्रांचेज हुई यहाँ पर हम छोटे छोटे लगाएंगे. तो जैसे कि मेरे पास एक ये है, हम इसे लगाएंगे यहाँ पर. जितने भी स्मॉल शेविंग्स हैं आप उनको वहाँ पर लगा सकते हो. स्मॉल नहीं है तो आप ऐसे इन्हें टियर करके भी लगा सकते हो. इन्हें सभी में लगाना है. तो ये देखिए हमने छोटे छोटे भी पेंसिल की शेविंग्स को इस तरह से लगा दिया है तो हमारा ये पूरा फ्लावर वास रेडी हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम रेड कलर लेंगे. आप रेड कलर, मैं यहाँ मार्कर यूज़ कर रही हूँ, आप रेड कलर का स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं. और हम ये जो बिग फ्लावर्स थे उनके अंदर स्मॉल सा रेड सर्कल बना देंगे. सभी में बना देंगे और हमारा ये रेडी हो रहा है. अभी ग्रीन कलर यूज़ करेंगे और इनके एजेस को थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देंगे. ग्रीन कलर से अच्छे से ऐसे ब्रॉड कर देना है. जितने भी बिग फ्लावर्स बनाए हैं उन, और ये देखो हमारा एकदम सुंदर सा, आपको लगता है
आपने इसके पहले कभी सोचा था कि इस जो वेस्ट था, हमारा जो पेंसिल वेस्ट है, इसका हम इतना ब्यूटीफुल वे में इसको यूज़ कर सकते हैं? सो आप भी ऐसे ही बनाओ और मुझे पिक्चर सेंड करो, मैं वेट करूँगी आपकी पिक्चर्स का। थैंक यू एंड बाय बाय।